नमस्ते दोस्तों मैं अंकुर आर्य आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में दोस्तों आपने पिछला वीडियो तो देख लिया होगा जिसमें जौहान और सलमान नाम के दो लड़के हमसे बात कर रहे हैं जब एक से बात नहीं बनती तो दूसरे को फ़ोन पकड़ा कर चले जाते हैं इससे पहले भी फ़ोन आया था उसकी मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था तब भी यही हुआ था एक दूसरे को फ़ोन पकड़ाया और खुद वहाँ से निकल लिए थे जवाब मिलते ही ये भागना शुरू कर देते हैं बात कहेंगे जरूर जैसे ही आप उसका जवाब देंगे या रेफरेंस मांगेंगे तो कहेंगे हमें कुछ नहीं पता है हमारे आलिमों ने हमको ऐसा कहा है भाई जब आलिमों ने कहा है और आपने पढ़ा नहीं है और एक खास बात कि इसमें मुझे वीडियो के शुरुआत में ये भी कहा गया था कि मैंने चतुर्वेद पढ़ रखे हैं और बाद में देखिए उन्होंने क्या कहा कि हमने नहीं पढ़ रखे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिए ऊपर आई में आपको वो वीडियो मिल जाएगा बात करते हैं आगे इनका जो गुरु है परम गुरुदेव जाकिर नाइक जाकिर नाइक का मुझे एक वीडियो मिला और उसमें वो कह रहा है कि श्री कृष्ण की सोलह हज़ार एक सौ रानियाँ थी आठ विवाहिता थी और 16,100 उन्होंने छुड़वाई थी इसलिए वो भी उनकी रानी ही कहलाई साथ ही साथ ये भी कहता है कि कोई भी बात अगर यहाँ पर हो तो वो फुल एविडेंस और प्रूफ के साथ होनी चाहिए वीडियो की एक छोटी सी क्लिप आप देख ही लीजिए तो मेरे तकरीर में जितनी भी मैंने बात इस्लाम के की, उसका हवाला दी चैप्टर नंबर वन वॉल्यूम नंबर फोर फोर्टी सिक्स तो ये जो हवाला मैं दे रहा हूँ ये माँ भारत में लिखा हुआ है अनुशासन पर्व में श्री कृष्ण ने सोलह हजार एक सौ एक सौ एक साथ में आठ पहले थे तो वो आठ को जुड़ के कुल मिला के होते हैं सोलह हजार एक सौ आठ तो सोलह हजार एक सौ सात में उन्होंने की वो जंग के हालत में जब कई लोग मारे गए तो उस हालात में तो ये इल्जाम नहीं हकीकत है अगर आप समझते ये गलत है तो आपको महाभारत में नहीं मानना चाहिए और जो लोग नेकरीर किया तकरी के बाद माशा जब खनर चारा ने कहा और शुरू किया उन्होंने पूरी तकरीर में एक अरबी की आयत की तलावत की आयत या अरबी बोले कलमे की तलावत की और एक संस्कृत की तलावत की और कई लोग ने जब उन्होंने कहा ला जब कहा कल में शादत ला मोहम्मद हैं शंकराचार्य वो मुसलमानों को बहलाने के लिए कह रहे होंगे उनकी क्या वाला मैं नहीं जानता मैं उनकी नियत के ऊपर शक नहीं कर सकता लेकिन क्योंकि मैं तालब हूँ अब आपने एक क्लिप देखी क्लिप में बंदा अपने आप को इतना ज्यादा प्रेज कर रहा है कि भाई इससे ज्यादा पाक साफ धरती पर कोई इंसान नहीं है मतलब वो खुद कह रहा है कि मैं मुझे इल्म है हर एक चीज़ का मुझे वेद उपनिषद पुराण सब आता है तो जब एविडेंस मांगा गया कि कहाँ पर लिखा है तो बंदा कहता है सोलह हज़ार एक सौ आठ रानियाँ जो हैं महाभारत में लिखित हैं और अनुशासन पर्व में लिखित हैं हमारे लोग का क्या होता है हमारे लोग सुनते ही मान जाते हैं और उसका कारण है कि हमारे लोगों ने पढ़ा नहीं है क्योंकि हमारे लोगों को म्यूज़िकली कि और और क्या चल रहा है सब आपको पता है वो ज़्यादा नाम चल रहा है इसलिए मुझे पता है इन सब पे रहने की आदत पड़ चुकी है कुछ गेम्स हैं वो खेलने की आदत पड़ चुकी है फिल्में हैं वो देखने की आदत पड़ चुकी है और ये सब कुछ भी ना हो तो बकवास करने की आदत पड़ चुकी है क्रिकेट और टीवी में रहने की आदत पड़ चुकी है और या फिर लड़की के पीछे ही भाग लो ये बहुत बड़ा ट्रेंड है ये बहुत ज़्यादा है अभी तो एनसीआर में बहुत ज़्यादा हो रहा है वो पढ़ते हैं नहीं और फिर वहाँ उनकी बात सुनते हैं तो फिर उनके पीछे पीछे हो जाते हैं और माँ बाप रोते रह जाते हैं जब उनका लड़का या लड़की फिर लफ जिहाद के चक्कर में फंस जाते हैं इसीलिए तो क्योंकि अपने ग्रंथ नहीं पढ़े एक बार भी यदि कोई व्यक्ति पढ़ ले एक बार भी पढ़ ले तो वो फिर भी उसका काम हो जाए लेकिन हमारे हिंदुओं में क्या है प्रॉब्लम उनको ये लगता है कि महाभारत ना कहानियाँ भरी पड़ी हैं इसमें तो महाभारत में कहानियाँ नहीं है मैं आपको अनुशासन पर्व के पूरी बात मैंने अनुशासन पर्व रात से बैठ के मैं पढ़ रहा हूँ पूरे अनुशासन पर्व में कहीं पर भी श्री कृष्ण के विषय में ऐसी बात नहीं आई है तो यहाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनुशासन पर्व की अनुशासन पर्व है क्या अनुशासन पर्व तब का है जब भीष्म जी अपनी सरसैया पर लेटे हुए थे और मैं आपको बता दूं कि जब उनसे उनके पोतों ने पूछा कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए वैसे में हमें क्या करना चाहिए किसका फल क्या है ऐसे में भीष्म पितामह जो हैं वो सबको बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए आइए उसकी थोड़ी सी डिटेल में चलते हैं पढ़ना ज़रूर अगर आपको समय मिले तो उसमें बात क्या चल रही है युधिष्ठर और विषम गौतमी ब्राह्मणी के उपाख्यान का वर्णन हो रहा है फिर वो कह रहे हैं कि भाग्य की अपेक्षा पुरुषार्थ की श्रेष्ठा का प्रतिपादन फिर है विविध कर्मों के फल का वर्णन कौन कर रहा है ये सब कुछ भीष्म पिता में कर रहे हैं जो दादा होते हैं अपने पोतों को समझाते ही हैं बड़े आराम से और बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि शरणागत की रक्षा कैसे करना चाहिए और उसका फल क्या मिलता है दान पात्र की परीक्षा कैसे होनी चाहिए पूजनीय पुरुषों के लक्षण क्या हैं और आदर सत्कार का फल क्या है किसकी किसको हमने जो अपना सम्मान है किनके प्रति रखना चाहिए किनको देना चाहिए फिर कहा है कि गांव की महिमा और उसका प्रसंग कहा है और च्यवन मुनि का वहाँ पर उपाख्यान दिया है व्रत नियम सत्य ब्रह्मचर्य माता पिता आदि की सेवा का महत्व बताया है ग्रस्त धर्मों का रहस्य बताया है शुभ अशुभ कर्मों को और सदाचार का निरूपण यहाँ पर भीष्म पितामह कर रहे हैं अपने पोते को समझा रहे हैं पारिवारिक व्यवहार वर्णन क्या हो सच्चा तीर्थ क्या है धर्म का महत्व क्या है हिंसा और मानस भक्षण की घोर निंदा यहाँ पर कर रहे हैं दान की प्रशंसा कर रहे हैं पति व्रता स्त्रियों के जो कर्तव्य होते हैं वो बता रहे हैं स्वर्ग में आने वाले या जाने वाले शुभ कर्मों का वर्णन करने हैं। मतलब जिससे कि हमारे स्वर्ग को कोई पारलौकिक स्वर्ग की बात नहीं हो रही है जब भी वैदिक साहित्य में आपकी बात होती है स्वर्ग की यानी कि सुख विशेष जो हमको यहीं पर मिलता है भीष्म जी द्वारा भाग्य की प्रधानता का खंडन किया जा रहा है और गायत्री जप का वो फल बता रहे हैं धर्मानुष्ठान की आवश्यकता बता रहे हैं और अंत में भीष्म जी का प्राण त्याग और उनकी अंत्येष्टि तो इस तरीके से ये सारी बातें भीष्म पिता में अनुशासन पर्व में बता रहे हैं इस तरीके से हम अच्छी तरीके से ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये जो जाखिर नायक है ये वाकई में जोकर है वाकई में नालायक है और इसको सिर्फ जो है ना गंद मचाना आता है गलत परिपेक्ष्य प्रस्तुत करने आते हैं अनुशासन पर्व वो पर्व है जब भीष्म पिता मैं सरसैयाह पर लेटे हुए हैं उनके जन उस समय पर बहुत दुखी हैं और वो उनसे बातचीत कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप जाने वाले हैं तो हमको थोड़ा सा जीवन के उपयोगी बातें बता दीजिए पूरे अनुशासन पर्व में यही बात चली हुई है अनुशासन पर्व में कहीं से लेकर कहीं तक भी श्री कृष्ण उनके विवाह उनके जीवन संबंधित उनकी जी कितनी रानियाँ थी उनकी कितनी गोपियाँ थी पत्नियाँ थी इनका कोई जिक्र नहीं है हिंदुओं से मैं कहना चाहता हूँ कि अभी भी आप जागरूक हो जाइए सावधान हो जाइए अपने ग्रंथों को पढ़ें अपने ग्रंथों को मंगाएं हजार रुपये आप ऐसे ही इधर उधर खर्च कर देते होंगे ये हज़ार रुपये का महाभारत है वेद से आप मंगा सकते हैं घर बैठे आपको मिल जाएगा इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन जीवन से संबंधित वो ज्ञान आपको प्राप्त होगा जो कि आपको अपने पुरखों से भी प्राप्त नहीं हो सकता है अंत में चलते चलते मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अपने धर्म के रक्षार्थ और उसके जागरूक करने के लिए लोगों को और उसके लोगों को जागरूक करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें तो इस वीडियो में अभी इतना ही विधर्मियों का और भी मुँह तोड़ जवाब हम देते रहेंगे मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय